नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान फोनी ने उड़ीसा में अपना कहर बरपाया। पुरी में 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। उड़ीसा के बाकी इलाकों में 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और बारिश हुई। फोनी ने उड़ीसा में 10 लोगों की जान ली है और अब फोनी ने पश्चिम बंगाल में दस्तक दी है। पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले उड़ीसा में 11 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक तूफान फोनी उड़ीसा तट के पास जगन्नाथपुरी को पार कर चुका है। यह पश्चिम बंगाल में भयावह तूफान के रूप में दस्तक दे चुका है। पश्चिम बंगाल के दीघा में तूफान फोनी का अब तक का सबसे ज्यादा असर दिखा है। पश्चिम बंगाल में करीब 7,000 लोगों ने आश्रय गृहों में शरण ली है। इससे पहले उड़ीसा से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। उड़ीसा में फोनी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। उड़ीसा में तूफान फोनी से भयावह तबाही हुई। इमारतें गिरी, पेड़ उखड़े, मकानों के छप्पर उड़े, 10 से ज्यादा लोगों की जाने गई। तूफान के बाद पुरी में NDRF के जवान राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट इंडिया की खबर।